ये तो कमाल ही हो गया कभी। हाँ। आप समय से पहले तैयार हो गए। हाँ। ये कैसे हो गया? ये आप दोनों समय से पहले तैयार कैसे हो गए? हैं? अभी तो 10 मिनट्स पड़े हैं और तैयार होके बैठ गए। Yes, we are ready. बस अभी आएगी 10 मिनट्स में। चलो चलते हैं। चलते हैं। हम पहुंच गए टाइम पे हैं और यार सीरियसली बच्चों की हिम्मत है। देखो छोटे छोटे बच्चे, एक एक साल के बच्चे हैं ना, वो भी स्कूल जा रहे हैं, जो प्ले स्कूल में जाते हैं। ठंड काफ़ी है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। टेम्परेचर 7 है बट हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और अभी भी उजाला नहीं हुआ है, मॉर्निंग नहीं हुई है। ये देखो अभी भी अंधेरा ही है। वो तो लाइट्स इतनी चल रही है इसलिए फिर भी ठीक लग रहा है, बट अंधेरा ही है। चला गया स्कूल, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ईजली चला जाएगा इतने दिनों के बाद। ऑलमोस्ट 3 हफ्तों के बाद वो जा रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते की हॉलीडेज थी उसकी और 1 हफ्ता उसको डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला था, बिकॉज उसको ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला था नहीं, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो इसको 1 वीक एटलीस्ट जो है घर पर रहकर रेस्ट करना है। उसका फ्रेंड उसको मिल गया तो बस उसको देख के ऐसे भागा, ओके मम्मा बाय लव यू। मैं एकदम पता है मुझे वो फर्स्ट डे याद आता है स्कूल का, जब कबीर को हम स्कूल छोड़ने आए थे तो मतलब हमारा तो दिल कांप ही रहा था और वो बच्चा कैसे गया था। मतलब हर पेरेंट्स के लिए ये चीज़ को फेस करना मतलब कितना अलग होता है ना। और आज आफ्टर 3-4 मंथ्स जब वो खुद से बाय करके निकल के भाग के जाता है ना, तो यार बड़ा दिल को सुकून मिलता है सीरियसली। आप जब अपने देश में नहीं होते हो, परदेश में होते हो जहाँ लैंग्वेज का इतना बैरियर है, वहाँ बच्चा अगर स्कूल में घुल मिल जाए ना तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो बस बहुत अच्छे से वो चला गया स्कूल के अंदर, बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हुआ, हैप्पी था। और बस अब यही है कि पूरा दिन उसका अच्छा जाए। तो अब मैं जा रही हूँ घर। ऑलमोस्ट आज फर्स्ट डे है ना, हाय फर्स्ट डे आज स्कूल का, तो मुझे लग रहा है सारे बच्चे आए हैं स्कूल, पता नहीं जैसे आज कोई पार्टी होने वाली है स्कूल में। बट अच्छा है, बच्चे इन्जॉय करेंगे, इतने दिनों तक घर पे थे, पूरा एक अलग माहौल उनको मिलेगा। बस अब मैं जाती हूँ बस पकड़ के घर और घर जाके मिलती हूँ। तो मैं घर तो पहुँच गई लेकिन मुझे भाई बुरा ही हाल, मुझे एक तो सामान लेने के लिए केयरफोर जाना था, बस वहाँ भी जाती है बट मेरा पता नहीं वो पजल में दिमाग रहा और मैं पहली उतर गई। एक्चुअली ये कैप ना मेरी थोड़ी बड़ी है, देखो मुझे पूरा ढक लेती है तो मुझे पकड़नी पड़ रही है। बट अब मैं पैदल पैदल जा रही हूँ, केयरफोर एक दो चीज़ें लेनी है मुझे, तो बस वो लेती हूँ फिर घर पहुँचूंगी। ऐसे ही होता है यार, कबीर को छोड़ने जाती हूँ ना तो आते हुए ये सारे काम भी निपटाती हूँ, कभी केयरफोर का, कभी इंडियन स्टोर का, कभी एक्शन का, तो ये सब काम मुझे आते हुए निपटाने पड़ते हैं। और थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लगा है, देखो देखो ये क्रिसमस, ये ना क्रिसमस ट्रीज हैं और देखो 50% ऑफ पे लगे हैं। छोटू सा है ये, छोटू सा ऑलमोस्ट ये 9 यूरो का था और अभी 50% ऑफ पर आ गया। चलो हमें लेना है पालक पहले। अरे वाह, मुझे पता था मंडे है ना, फ्रेश वेजिटेबल आई होंगी। वेरी नाइस यार, बहुत ही बढ़िया पालक है, तो बनेगा पालक पनीर। यार कितने सुंदर टमाटर लग रहे हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं, मतलब ये देख रहे हो आप ऐसे। फ्रेश वेजिटेबल आई है मंडे वाले दिन केयरफोर में, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल मंडे को आती है। उफ़, नहाना धोना हो गया यार, बड़ा काम, इतनी हवा चल रही थी सीरियसली, आके मैं 10 मिनट बैठी, मतलब मेरा सर ना इतना घनघनाने लगा बाहर। और उसके बाद बाथ वगैरह लिया, बस अभी देखो निकली हूँ और अरे बहुत हवा चल रही है यार, मतलब सीरियसली यहाँ बच्चों की ना बहुत हिम्मत है, जो सुबह उठ के बेचारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं और ऐसा नहीं है इनको क्लास में बैठा के रखते हैं, यहाँ का कल्चर वो नहीं है कि अंदर बैठा के रखते हैं, यहाँ तो पूरा इनको बाहर घुमाते हैं और पार्क में प्ले कराते हैं, मतलब पूरा दिन इनको बिजी रखते हैं ताकि इनकी बॉडी की एनर्जी वगैरह और हीट वगैरह आए, ताकि ये लोग थोड़े वार्म अप रहें। अब चलते हैं नाश्ता बनाते हैं, मतलब अपना ब्रंच, 12 बजे विक्रांत भी फ्री हो जाएंगे तो फटाफट से बनाते हैं, वो तैयारी करते हैं। मैं पहले इनको सुखाती हूँ, मतलब बालों को सुखाती हूँ और फिर आगे काम में लगती हूँ। Like
सॉक्स पहनती हूँ और फिर करती हूँ अपनी एडिटिंग। विक्रांत बैठे हैं थोड़ी देर के लिए वहाँ, उन्हें उनके ऑफिस टेबल से हटाना ना बहुत ही मुश्किल है, बट आज वो कहते हैं कि ठीक है अब दोनों का काम है तो मिल बैठ के करना पड़ेगा, टेबल एक ही है। तो वो बैठ गए हैं वहाँ पे बाहर और मैं कर रही हूँ अपनी एडिटिंग, स्टार्ट करती हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं चली कबीर को लेने स्कूल पूरा अच्छे से पैक होकर। मॉर्निंग में ना मैं ये कान की भूल गई थी, ये ईयर कफ्स जो होते हैं, अब लगा के जा रही हूँ क्योंकि कैप ही नहीं टिकती है, बंदा खुद को संभाले इतने सारे कपड़ों को संभालेगा सीरियसली। तो अब जाते हैं, उसको लेकर आती हूँ, फिर मिलते हैं। तो बस कबीर आ गया है स्कूल से, अच्छा रहा उसका दिन। हम लोगों को थोड़ा सा था कि पता नहीं कैसा रहेगा, बट अच्छा रहा उसका दिन। तो अभी उसको लगी है भूख। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत कुछ रख के ले जाती हूँ साथ में ना, तो जूस वगैरह या कुकी वगैरह ऐसी चीजें ले जाती हूँ कि थोड़ा सा एटलीस्ट खा ले वो। तो बट अभी उसने ज्यादा कुछ खाया नहीं, बस मैं थोड़ा सा जूस ही पिया। तो बस अभी उसको लगी है भूख। तो जो ऑमलेट सैंडविच है, ऑमलेट सैंडविच बना रही हूँ, तो वो बड़े शौक से खा लेता है। तो बस उसके बाद उसको सुलाऊंगी थोड़ी देर और फिर देखते हैं शाम में डिनर में क्या बनना है। हाँ, यही बड़ा क्वेश्चन कि डिनर में क्या बनना है। तो बट कोई नहीं, ये फटाफट से उसको देती हूँ एंड देन फिर डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ। चलो सॉक्स पहन करो फटाफट से। जूस चाहिए साथ में? नहीं, जूस first day after holiday, so enjoy your day with your friends, mama papa loves you. तो ये था कबीर का लंच बॉक्स का मैसेज आज का। कबीर को हर दिन एक मैसेज मिलता है, राइट? हाँ। आप पढ़ते हो हर रोज? हाँ। सबको बता दो आपका आज का फर्स्ट डे आफ्टर हॉलीडेज कैसा रहा? अच्छा, फर्स्ट डे फन, सो मच फन, सो मच फन, 100 million, billion, 1000 billion again. इतना सारा? हाँ। बहुत फन किया फिर तो आज आपने। कबीर को कुछ मिला है स्कूल से? स्टार, I have stars. ओए, स्टार्स मिले हैं आपको? बस स्टार दिखाओ। आपको ये क्या गिफ्ट मिला? ये सब बच्चों को मिला? हाँ, दिखाओ तुम। अभी खोलेंगे इसको, खोलेंगे थोड़ी देर में। अच्छा लग रहा है ऐसे ही। Not sure it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers. पालक पनीर बनके तैयार है, बट ना मैस बहुत हो जाता है, देखो कितनी छींटे हो गई हैं। बस सब बनाते हैं चपाती। तो ये रहा डिनर तैयार, मस्त मैंने पराठे बनाए। मैंने पहले सोची थी कि चपाती सेकती हूँ, बट मुझे लगा कि पराठे ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, तो बस मैंने पराठे बनाए। अब मैं भी खाती हूँ मिर्च के अचार के साथ। ये प्रियंका ने बनाया था, तो थैंक यू जानेमन इतना अच्छा अचार बनाने के लिए। हम लोग का डिनर वगैरह हो गया था और सब लोग सो चुके हैं, टाइम हो रहा है 12:15 का। मैं भी बस एडिटिंग ही कर रही थी, तो बस एक कॉफ़ी की मुझे तलब लग रही है, तो मैंने कहा कॉफ़ी बनाती हूँ। एंड देन मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग एंड नहीं करा है। बहुत ही हेक्टिक डे था आज यार, क्योंकि इतने दिनों के बाद कबीर भी स्कूल गया एंड कल और भी हेक्टिक होने वाला है क्योंकि विक्रांत को ऑफिस जाना है। तो कल के हसल के साथ फिर मिलते हैं आपको। अब इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा हमारे साथ, और अगर एंजॉय किया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय।